डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने यहाँ ग्रुप डी से कलर की प्रमोशन लिस्ट डाली है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी की पोस्ट से प्रमोशन पा के कलर्क बने हैं। अभी भी ग्रुप डी की जो पोस्ट निकली हुई है उसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि प्रमोशन जिसमें जल्दी हो वो वाली पोस्ट अप्लाई करें। तो सेकेंडरी एजुकेशन में यानी स्कूल में कलर्क का प्रमोशन पाना ग्रुप डी से कैसे होता है, कितने साल में होता है, यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल सकता है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर हैं टोटल 11 हैं, इनको ग्रुप डी से प्रमोट किया गया है कलर्क की पोस्ट पर। यहाँ हसन कुमार हैं, ओम प्रकाश, वजीर चंद, महावीर सिंह, इनकी यहाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट DOA देख सकते हैं आप, काफ़ी साल हो चुके हैं इनको यहाँ लगे हुए। अगर हम लास्ट बात करें तो 2005 में जो लगे थे 28/12/2005 इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। इनका भी जनरल कैटेगरी के हैं और प्रमोशन हो चुका है, यानी आप देख लीजिए आज 2018 है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। ग्रुप डी से कलर्क अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपॉइंटमेंट दी है दो कैंडिडेट को, EBPG कैंडिडेट को, एक हैं गोविंद शर्मा, दूसरे हैं सरोज, मेल और फीमेल कैटेगरी है EBPG से, इनको अपॉइंटमेंट दी गई है। पे बैंड आपको पता ही है क्लरिकल का 99,900 से 63,200 आप PL2 के नाम से है। तो ग्रुप डी से प्रमोशन किया है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन पाते रहें। धन्यवाद।